बिना पगड़ी के किराए पर ऑफिस शोरूम सहित अन्य कार्यों के लिए दुकान लेने के लिए संपर्क करें महाकाल कृपा कॉम्प्लेक्स इंदौर नाका खंडवा। जी आज आप खंडवा एसपी ऑफिस आए हैं, किस मामले को लेके आए हैं, क्या है पूरा विषय? सर मेरा ये मेरे नाना जी है, इनके अकाउंट से करीबन 92,000 रुपए का केस विड्रॉल हो चुका है और 2021 में हुआ था। और जिस टाइम पर हुआ था केस विड्रॉल, उस टाइम पर ये केदारनाथ और चारधाम की यात्रा पर थे और 92,000 रुपए 10 ट्रांजेक्शनों में हुआ है केस विड्रॉल, 10,000 12,000 ऐसे कर करके 10 बार हुए हैं। और हमने हर जगह पे आवेदन भी दिए थे और बैंक से जानकारी लेने के बाद भी बैंक हमको कोई संतुष्टि नहीं दे रहे हैं और सीसीटीवी कैमरे की फुटेज का भी बोला था तो वो भी हमको नहीं दिखा रहे हैं। और हमने यहाँ पे आरबीओ में भी आवेदन दिया था, लोकल थाने में भी दिया है और अभी कोई कार्रवाई नहीं हो रही हमारी और कोई सुनवाई नहीं हो रही। सर हम पिछले एक साल से हम घूम ही रहे हैं इधर उधर। कौन सा बैंक है, कौन से गांव की ब्रांच है ये भी बताएं। सियाड़ा एसबीआई बैंक, सियाड़ा में एसबीआई बैंक सर, उसमें अकाउंट्स। और वहां पे ना ऐसा फ्रॉड पहले हो चुका है और हमने आवेदन में साफ साफ लिख के दिया है। वो कुरेसी टाइम के समय पे ऐसा केस विड्रॉल हुआ था, उस टाइम पे एक आदमी भी पकड़ा था जो कि वही का कर्मचारी था, उन्होंने 12,000 का कोई ट्रांजेक्शन करा था और वो आदमी लोकल गांव का ही था तो उनको अचानक से पता चल गया। अब ये रहते हैं बाहर तो इनको पता नहीं चल पाया पिछले एक साल से, क्योंकि जब पता चला जब इन्होंने कार्रवाई करी तो उस टाइम पे वो आदमी पकड़ा गया था तो उन्होंने 12,000 रुपए उस पर दे दिए और वो उनका केस में ही सोल्व हो गया सर। पर हमारे साथ ऐसा हुआ ही नहीं क्योंकि हमको फुटेज नहीं मिली सर। अगर फुटेज मिल जाती तो सर हमारा भी आज शायद हो सकता था निराकरण, लेकिन हमारा कुछ भी नहीं हो रहा सर। हमको सिर पर भटकाया जा रहा है इधर उधर इधर उधर। भारतीय स्टेट बैंक का शाखा सियाड़ा, मेरा नाम गणेश मालाकार है सर, दयाराम मालाकार, छोटे लाल मालाकार, पलकना। अभी हम एसपी ऑफिस आए हैं सर, अभी मांग यही कि हमारा जल्द से जल्द निराकरण हो। छाबड़ा हार्डवेयर प्लाईवुड एवं पेंट्स बड़ा बम मिश्र हॉस्पिटल के सामने एक बार जरूर विजिट करें अथवा संपर्क करें।